आज आपको दिखाती हूँ मोहम्मद के रूम में आ गए होंगे ये दोनों किस तरह सोते हैं। आज मोहम्मद के बाबा भी मोहम्मद के पास ही हैं। मोहम्मद मोहम्मद ये देखें ज़रा किस तरह बेखबर सो रहे हैं। अच्छा आपको ये स्टफ टॉय नज़र आ रहा है, ये मोहम्मद के पास ना बचपन से है, इतना कोई इससे प्यार करता है और इसका नाम इसने रखा हुआ है टीटी। ये रात को इसके पास होती है, कभी दिन में भी इसके पास होती है, ये इसके बगैर नहीं सोता है। मोहम्मद काशिफ मोहम्मद 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 मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया, उठो लाइट कहाँ से बंद करो, उठो जल्दी, ये देखो टाइम क्या हो रहा है, नमाज पढ़ने नहीं जाना आपने। मोहम्मद मोहम्मद उठो, और ये पापा तुम्हारे रूम में क्या कर रहे हैं मोहम्मद, काशी उठे, नमाज का टाइम हो गया है, उठे 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 सबर तो उठे 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 मोहम्मद, ये देखो सब आपको देख रहे हैं, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया आपका। गाइस आप इन लोगों को देख रहे हैं और ये देखें टाइम, टाइम हो रहा है 12:30 और मैं इनको उठा उठा के थक चुकी हूँ, इन्होंने नहीं उठना और मैंने नाश्ता भी रेडी कर लिया है और इनका दिल ही नहीं कर रहा है कि ये उठे आज। मोहम्मद मोहम्मद पापा मेरे रूम में क्या कर रहे हैं यार, डैडी जी चलना उठे ना यार, नमाज पढ़ने भी जाना है, उठता बहुत थक गया यार, उठना यार, रात को मैं वॉक पे चला गया, बहुत देर तक वॉक की, थकावट हुई, आई सर लग गया यार, उठे ना यार डैडी, उठता हूँ यार, आलो जू जल्दी उठ, ऊपर से तो हटो पाऊ यार, मैं जल्दी से फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होकर तुम लोगों से मिलता हूँ। नाश्ते वगैरह से फारिग हो चुके थे, अब हम लोग आ गए थोड़े चिट चैट टाइम में, मतलब गपशप का टाइम, फैमिली गपशप। तो अभी हम खा रहे हैं फ्रूट्स अनार, और ये मेरी मामा काट रही हैं अनार, और ये मेरे डैडी बैठे फोन यूज कर रहे हैं। यार डैडी आज आप मेरे साथ सो गए, पता भी नहीं चला, फैन बंद करने आए। मोहम्मद ये क्या, अरे लो डैडी यार ये अनार खराब निकल आया, कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही खराब होता है, मतलब ऊपर से तो ठीक है ना, नहीं है ना, ऊपर से तो सारा ठीक है लेकिन अंदर से सारा खराब निकला, उनको क्या पता अंदर क्या, अंदर क्या है और क्या नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। चलो यार तुम्हारे भाई के बहुत फेवरेट अनार हैं, हाय हाय, मैं आपको कहती हूँ कि रोज फ्रूट खाया करो, लेकिन तुम रोज स्कूल होते हो और तुम्हारी टाइमिंग्स ऐसी है स्कूल की कि शाम तक जब आते हो तो कोई फ्रूट ही नहीं खाते, कोशिश किया करो कि सैटरडे संडे ज्यादातर फ्रूट इस्तेमाल किया करो। अब तो सर्दियां भी आ गई, हम लोग नहीं कटाएंगे पर मिठों के बेटे, आज पापा को मैंने कल भी कहा था, तुम पापा को जरा बोलो ना, मुझे भी बहुत सारे काम है, गाड़ी निकाले ना, तो फिर हम 2-3 काम कर लेते हैं आज। अरे भाई आज हमारे मिठुओं के पार कर देंगे, फिर हम उनको घर में खुला छुला छोड़ देंगे, अभी हमारी चली अनार पार्टी। डैडी यार आपको अपने रूम में ज्यादा मजा आया या मेरे रूम में, मुझे होश ही नहीं है, इतनी सर्दी होगी आप फैन ऑन करके सो जाते हो यार, फैन बंद किया करो, मैं फैन बंद किया लेटा हूँ सो गया, असल में मैंने रात को भी वॉक की सुबह भी वॉक की है, इस वजह से फिर मुझे पता ही नहीं लगा आपके साथ, लेकिन मजा आया आपके साथ, मजा आया डैडी यार, मैं पंखा आपने ऑफ कर दिया, मुझे गर्मी लग रही थी बीच बीच में, जल्दी से अनार पार्टी खत्म करते हैं फिर यार सारे काम मुकाते हैं, तो मैं अनार पार्टी करता हूँ फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। यार हम लोग फारिग हो चुके हैं अनार पार्टी से, अभी आज बाहर चलते हैं मिठू से यार गपशप करवाते हैं यार, नहीं Assalamualaikum. How are you, Miku? एक मिनट है कि
की हाल है? ठीक हो ना गुड्डो? खैर हाल चाल है? ठीक हो ना? बड़े क्यूट लग रहे हो यार, बड़े क्यूट लग रहे हो। वाओ कुछ बोल लो भाई, वीडियो बन गई तो बोलते ही नहीं। कैसे हो? ठीक हो? बेगम बच्चे ठीक हैं? की हाल है? ठीक हो? और सुनाओ नवी ताजी? हाँ मिट्टू नवी ताजी चल रही है यार। हाय अभी जाना भी, इनके पर कटवाने तो चलते हैं। यार फिर से यही शूज। डैडी इनके अलावा कुछ पहनते ही नहीं। आज बस हो गया इनकी। मम्मा डैडी इन शूज के अलावा और कोई शूज क्यों नहीं पहनते? उनको वो कंफर्टेबल होते हैं इसलिए वो पहनते। नहीं निकालें डैडी के न्यू वाले शूज जल्दी। मम्मा कोई बात नहीं, अगर वो ये पहन लेंगे उनको इसमें इजी होता है। नहीं वो हर वक्त यही पहनते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। डैडी के निकालें शूज जल्दी। ये लो अपने डैडी, बस ये आ जाए। मेरे लिए भी कुछ सोच लिया करो मम्मा। ये जी भाई डैडी एक मिनट। ओ अब यार चले डैडी नीचे। भाई डैडी ये वाले पहनते थे, आज डैडी ये पहनेंगे। ये वेयर दिस डैडी, दिस नाइक्स आर लुकिंग स्मैशी। ये जल्दी से मैं भी अपने एडिडास के पुराने जूते पहनता हूँ फिर नीचे जाके बैठना। डैडी आज अब ये पहनेंगे, दैट्स इट। लेस बांधनी पड़ती है? नहीं डैडी ये बहुत प्यारे हैं, वो बहुत फजूल हैं, उनको मैंने फेंक दिया बस। ये पहनेंगे पहले गाड़ी पे कपड़ा मार जाके। यार शाबाश शाबाश बोल रहा कपड़ा, गजब बेइज्जती है। हां यार मेरा कपड़ा नहीं यार, अब कपड़ा भी मारना पड़ेगा। मां चल रहा भाई दादा मेरे हाथों से मैं नहीं सकता। ओ बस लग गया डैडी, मार दिया कपड़ा। ओ यार मेरी बात हो गई है, अब उस जगह पे जाते हैं जहाँ मिठू के पर कटवाने, वही मिलता तुम लोगों से। आज से मेरे डैड ये आप लोग बना रहे व्लॉग बनाए। अच्छा मजा आ गया। अरे यार ये तो बोलने नहीं देंगे यार मुझे। आज से मेरे डैडी का नाम है मेजर कर्नल काशिफ कादरी। क्या हो डैडी यार अपने बाल कैसे कटवाएं यार? यार अली टाइम ही नहीं दे रहा था, वो बिजी। जब कॉल करो मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ सर, कल आए कल आए, फिर मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ। वो बहरिया में एक फ्री था, उसको बोला काट दे, उसने कहा सर कैसे करने? मैं कहा ना बड़े रखने ना छोटे रखने, बस दरमियाने से काट। आपको पता है फिर नाई की भी अपनी मर्जी होती है और दर्जी की भी अपनी मर्जी। डैडी आप दरमियाने गंदे हो गए डैडी, आप साइड से थोड़े बहुत। तो यही आपको बता रहा हूँ ना कि नाई की भी अपनी मर्जी है और दर्जी की भी अपनी मर्जी होती है, क्या करे बंदा क्या बोले। चले खैर आ जाएंगे मानी फिर। अभी पहले कहाँ जाएंगे? अभी इनके पहले पर कटवा लें, मामा ने कुछ चीजें लेनी है वो कर लें, रास्ते में नमाज का टाइम हो रहा है हम नमाज पढ़ लेंगे। मामा ने कोई फ्रूट वगैरह लेने, फिर आपको घर छोड़ के मैंने कुछ काम जाना है, फिर शाम को मुलाकात होगी आपसे। यार तुमने बोल दो यार, मैं व्लॉगिंग करना चाहते थे, ये लोग व्लॉग करेंगे यार। मैं जल्दी से पहुंचता अभी इनको देखना, अभी इनके आए हुए सब बंद हो जाएगी। जल्दी से हम लोग पर कटिंग शॉप पे पहुंचते हैं, तुम लोगों से वही मिलता हूँ। यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिठू वगैरह के पर शेर कटवाने, और ये रे अभी इनका अंकल निकालेंगे। एक मिनट ये गंजे हो गए जी, ये गंजू ओ गंजू गंजू गंजे गंजा गंजा। तू मनु नहीं जानता, मैं तेन पाड़ के रख देंगा तेन, मैं पुत्र फना कर देंगा बंदे का पुत्र बन। आने पंगा लेसी साडे नाल काका, मैं बंदे ही खराब हां। देखो आप कैसे देख रहे गूर गूर के, गुड्डा प्यार तू मेनू। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मार्ट, मम्मा ने अपना कोई सामान लेना है। यार मैं काफी थक गया हूं, जल्दी से मार्ट जाता हूं, अपने लिए भी कुछ चीजें उठा लूंगा। डैडी उठा रू ना यार, डैडी प्लीज ले लो बेटा जो बस। डैडी अगर $10,000 का बिल बन गया तो
बेटा गाड़ी की चाबी दे दूंगा, फिर बेच के बिल पे करते रहना। यार जल्दी से अपने लिए भी चीजें लाता हूँ, मम्मा को भेज दूंगा अपना सामान लेने, मैं अपनी चीजें लेके आता हूँ जल्दी से। चलो खैर है, जो बोले दिला देना। मैं जल्दी से अंदर से होकर आता हूँ, फिर तुम लोग से मिलता हूँ। चलो यार चले, मैं तो अपनी फुल चीजें लेनी है, मम्मा $10,000 का बिल बनना ही बनना है। चलो। बिल्कुल, मैं तुम्हें वहीं छोड़ कर आऊंगी। $10 ये वाली नहीं ले रहे? ये वाली ले लेते हैं ना। ये वाली नहीं, ये मोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। हम लोग आए हैं जमीर स्ट्रीट, यहाँ से मुझे कुल्फी बहुत पसंद है, तो हम लोग कुल्फी लेते हैं। जल्दी से इसका बिल बनाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, फिर हम लोग इसे घर जाके क्लोज करो। चलो जाओ, उनको मनी दो, कुछ देखो। आय हाय, इस गर्मी में ठंडी ठंडी और मोटी कुल्फी। गर्मी तो नहीं है मामा, इतना मौसम अच्छा हो गया, ठंड जी बहुत गर्मी है। कुल्फी कैसी है ये बताएं? कुल्फी बहुत मजे की। सुनो, तुम ये सब कुछ खाने के लिए आए हो या मेरे साथ शॉपिंग करनी है? चले यार, मम्मा एक आपने तंग किया गर्मी में मुझे। चलो ऐसा करो, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम लोग जाओ। चले यार, अब मम्मा के काम करने पड़ते हैं, अब इससे फारिग हो तो फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। यार तो यार, हम लोग वहाँ से काम शाम से मम्मा के मेरे एवरीथिंग से फारिग हो चुके थे, हमें घर पहुँच चुके थे। और मम्मा यार खाने में क्या है? खाने में है माँस की दाल और ब्रेन मसाला। खाना रेडी है? जल्दी से यार, मैं खा लूँ, बहुत सख्त भूख लग रही है, खा के तुम लोगों से मिलता हूँ।